तो इस ईयर क्राउन ज्वेल 2021 के अंदर ऑलरेडी WWE ने काफी सारे बड़े मैचेस कंफर्म किए हैं और एक बार फिर से काफी बड़े स्पॉइलर्स भी आ चुके हैं सामने कि इस मैच के अंदर कौन सा विनर होने वाला है और दो टाइटल मैचेस के जो विनर स्पॉइलर आए सामने उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं बात। फाइनली इस हफ्ते के स्मैकडाउन और AEW रैम्पेज की जो फाइनल रेटिंग्स है वो आ चुकी है सामने और डेमो रेटिंग्स के अंदर AEW रैम्पेज ने हरा दिया स्मैकडाउन को और फीड को लेकर एक WWE कनेक्शन भी उनका आ चुका है सामने। स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा कुछ घुमा फिरा के नहीं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं इस हफ्ते स्मैकडाउन और AEW रैम्पेज की फाइनल रेटिंग्स के साथ में और उसके बाद बात करेंगे डेमो रेटिंग्स के बारे में जहां पर AEW रैम्पेज ने हरा दिया स्मैकडाउन को। तो हम जानते हैं इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन का शो था वो FS1 नेटवर्क के ऊपर एयर ऑन हुआ था और जो ओवरनाइट व्यूअरशिप आई थी वहां पर स्मैकडाउन ने हरा दिया था AEW को। लेकिन बात करते फाइनल व्यूअरशिप के बारे में, फाइनल रेटिंग्स के बारे में, तो वो भी आ चुकी है सामने और फाइनल रेटिंग्स के अंदर भी हरा चुका है स्मैकडाउन AEW रैम्पेज शो को क्योंकि उसकी फाइनल रेटिंग्स आई है 866,000 के और जो AEW रैम्पेज है उसकी व्यूअरशिप आई है फाइनल के अंदर 578 के यानी कि 578,000। अब बात रहती है डेमो रेटिंग्स के बारे में, की डेमो रेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पर जो डेमो रेटिंग्स आई है वो दोनों शोज की पूरी तरीके से टाई हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर डेमो रेटिंग्स आई है 0.24 स्मैकडाउन की और 0.24 AEW रैम्पेज की। अब बात आती है हेड टू हेड कॉम्पिटिशन के बारे में क्योंकि जो आखिरी घंटा था सुपर साइज स्मैकडाउन का वो और AEW रैम्पेज का जो पहला घंटा था जहां पर CM Punk का मैच हुआ था ये दोनों हेड टू हेड कॉम्पिटिशन में थे। अब व्यूवरशिप के अंदर तो AEW हरा नहीं पाए लेकिन जो डेमो रेटिंग्स आई हैं सामने उनमें काफी क्लोज मार्जिन आए दोनों की डेमो रेटिंग्स के अंदर आखिरी घंटे की क्योंकि डेमो रेटिंग्स आई हैं AEW की वो आई है 0.34 और ये पहले आधे घंटे की आई हैं जो कि एक्चुअल में हेड टू हेड थे स्मैकडाउन के साथ में और जो स्मैकडाउन के आखिरी आधे घंटे की वो आई हैं डेमो रेटिंग्स वो आई हैं 0.32 यानी कि 0.2 के मार्जिन के साथ में AEW रैम्पेज ने फाइनली हरा दिया स्मैकडाउन को। तो भैया पार्टी वाला करने का टाइम है AEW के लिए फैंस के लिए क्योंकि मैंने देखा ट्विटर के ऊपर भाई क्या जश्न मन रहा है, आप देख के थोड़ा हैरान हो जाओगे, लोग कह रहे हैं फाइनली AEW बीट द मेन शो ऑफ WWE लेट्स गो और अब हराने वाला हर हफ्ते AEW रैम्पेज स्मैकडाउन को। आई वॉज लाइक वेट अ मिनट क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है स्मैकडाउन की जब वो फॉक्स नेटवर्क पे ऑन होता है उसकी डेमो रेटिंग जो मिनिमम आती है ना 0.45 आती है और जो कहते हैं एक अच्छी खासी एवरेज आती है वो आती 0.52 या फिर 54 के आसपास की। लेकिन भाई इस हफ्ते AEW रैम्पेज जब दो तीन जगह से नहीं हरा पाए किसी तरीके से छोटी सी जगह निकल कर आई सामने जहां पर सिर्फ 0.2 मार्जिन के साथ में AEW रैम्पेज ने हराया स्मैकडाउन को और भाई पार्टी तो ऐसे करने पता नहीं कितने करोड़ों की लॉटरी लगी है इसको लेकर। क्या आपका ओपिनियन मुझे पता है फिर से कॉमेंट्स आने वाले हैं तू टोनी खान से जलता है तू AEW से जलता है तू AEW हेटर है तभी तो जश्न नहीं मना रहा है। आई वॉज लाइक आई डोंट सॉरी मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि पोगो टीवी है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये जुड़ी है क्राउन ज्वेल 2021 के शो के बारे में क्योंकि क्राउन ज्वेल 2021 के दो और बड़े टाइटल मैचेस के जो रिजल्ट है एक तरह के लीक हो चुके हैं, एक तरह के स्पॉइल हो चुके हैं और ये मैच होने वाला है WWE चैंपियनशिप मैच बिगी वर्सेस मैकइंटायर के बीच में और दूसरा मैच होने वाला है बेकी लिंच वर्सेस बियांका बेलेयर वर्सेस साशा बैंक्स के बीच में। और किस तरीके से इन मैचेस के जो रिजल्ट ऑलरेडी स्पॉइल हो चुके हैं क्योंकि WWE जो है रिसेंटली वो हमें मेडिसन स्क्वायर गार्डन का एक और जो शो है वो अनाउंस करती हुई नजर आती है जो कि हमें दिसंबर के अंदर दिखाई देगा और जो डेट बताई जा रही है वो 26 दिसंबर है, ज्यादा कुछ मुझे अभी सही से याद नहीं है। अब बात आती है WWE ने किस तरीके से स्पॉइल कर दी इन दोनों मैच के विनर क्योंकि WWE यहां पर ऑलरेडी WWE टाइटल मैच एंड स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल मैच एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर दिया है। मैच होने वाला बिगी वर्सेस बॉबी लैशली फॉर WWE चैंपियनशिप और दूसरा मैच होने वाला है बियांका बेलेयर वर्सेस बेकी लिंच फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ना बेकी लिंच और ना ही जो बिगी है वो अपनी टाइटल हारेंगे क्राउन ज्वेल 2021 के शो के अंदर क्योंकि भैया क्राउन ज्वेल में बचा पाएंगे तभी तो जाके दिसंबर में मेडिसन स्क्वायर गार्डन के इस वाले शो के अंदर हमें डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। अब देखो मैं पूरे तरीके से कह नहीं रहा हूँ, लीक हो गया, स्पॉइल हो गया, मे बी स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल जो मैच है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं और वैसे भी WWE की आपको एक फेमस लाइन तो पता होगी कार्ड्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज और पता ना WWE कभी कभार उसके तगड़े से मजे भी ले लेती है। लेकिन अब हम लोग पढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और इस बार ये जुड़ी है फीड ब्रे वार्ट के बारे में और ब्रे वार्ट और WWE के बीच में रिसेंटली एक थोड़ा अजीबो गरीब कनेक्शन मुझे दिखा जो कि मुझे लगा शायद आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे कि विंस मैकमैन फीड के बीच बातचीत हो रही है ऐसा फलाना फलाना, सीधा बात करते हैं पॉइंट के बारे में। तो आप जानते हो अगर आप ट्विटर के ऊपर किसी बंदे को फॉलो करते हो, मान लो भाई मैं किसी ए बंदे को फॉलो करता हूँ तो अगर मैं बी बंदे की प्रोफाइल ओपन करूंगा उस ए बंदे ने बी को
फॉलो की है, तो मुझे पता थोड़ा मैथ्स वाला सीक्वेंस आ गया या फिर केमिस्ट्री लैब वाला सीक्वेंस आ गया, लेकिन ऐसे को समझने में अगर बी ने फॉलो किया ए को तो मुझे वहाँ पर क्लियरली शो हो जाएगा कि भैया आप बी को फॉलो कर रहे हैं लेकिन बी ने ए को भी फॉलो किया है, तो आप इस बंदे को भी फॉलो कर सकते हो। तो भाई ये था मेरा लंबा चौड़ी एकदम मैथ्स की क्लास, गणित की क्लास, लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रेट टू द पॉइंट के बारे में। एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूँ मुझे पता है सबके दिमाग में यही चल रहा होगा। तो भाई मैंने जाके क्या किया, मैंने जाके चेक किया ट्विटर के ऊपर, अचानक से फ्रेंड की प्रोफाइल ओपन की। आपको याद है रिसेंट टाइम में उन्होंने काफी सारे पोस्ट किए थे, और वहां पर जो जाके मैंने एक चीज नोटिस की वो ये कि जो स्टिल WWE है एंड जो स्टिल रोमन रेंज है वो फॉलो कर रहे हैं फिएंड को। आई नो दो क्वेश्चन अराइज होंगे, पहली बात है कि रोमन रेंज के फॉलो करने से ज्यादा कुछ मतलब निकलता नहीं है। आई एग्री, यहाँ पे ज्यादा कुछ मतलब इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि जो रेसलर्स हैं वो एक दूसरे के दोस्त भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि WWE के साथ ही रिलेशन हो रोमन रेंज का। अगर वो किसी के दोस्त हैं या फिर कोई उनको दोस्त मानता है तो ऑफकोर्स वो उनको भी फॉलो करेंगे। और आई गेस फिएंड और जो अपने रोमन रेंज है उनकी रियल लाइफ में काफी अच्छी खासी दोस्ती भी है। अब बात आती है WWE के बारे में कि ऐसा हो सकता है कि जो WWE है वो भूल गई है अनफॉलो करना अपने फिएंड को, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर सिनेरियो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि WWE के भी मैंने पूरी जाके लिस्ट चेक की, 400 से ज्यादा लोगों उन्होंने फॉलो की है, और वो लोग हैं जिनका अभी फिलहाल कोई ना कोई एसोसिएशन, कोई ना कोई सुपरस्टार है, कोई ना कोई रेफरी है, कोई ना कोई फोटोग्राफर है, कोई ना कोई NXT 2.0 का स्टार है जिसे WWE फॉलो कर रही है। कोई भी फॉर्मर रेसलर फॉर्मर एम्प्लॉय उस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। इवन यहाँ पर जैसे डैनियल ब्रायन ने WWE को लीव किया था, WWE ने उन्हें फॉलो करना भी बंद कर दिया है। अब ये चीज सीरियसली काफी ज्यादा सरप्राइज कर देने वाली है, और शायद बहुत लोग ये कहेंगे कि WWE ने एक लंबे टाइम से अपडेट नहीं होगा ट्विटर अपना, लेकिन भाई यहाँ पर सीन ये भी नहीं क्योंकि रिसेंट का जो NXT 2.0 का शो था वहां पर हमने देखा काफी नए चेहरे आते हैं, राइट। तो वहां पर WWE का करती है वो नए लोगों को हमें अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू फॉलो करती हुई नजर आती है। कुल मिलाकर घुमा फिरा के मेरे कहने का मतलब ये है कि WWE इस बात से 1001% अवेयर है कि वो स्टिल फॉलो कर रहे हैं फिएंड ब्रे वायट को, वो स्टिल फॉलो कर रहे हैं एक ऐसे रेसलर को जिसका कंपनी के साथ अभी फिलहाल कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। अब मैं सीधे वे में ये नहीं कह रहा कि फिएंड WWE में वापस आने वाले हैं, अब मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं कि WWE स्टिल उन्हें क्यों फॉलो कर रही है। अब ये चीज मुझे वियर्ड लगी, थोड़ी बहुत काफी अजीबो गरीब लगी कि भाई WWE इन्हें फॉलो क्यों कर रही है, इसलिए मैंने पूरी लिस्ट जाकर चेकआउट की, वहां पर कोई भी फॉर्मर एम्प्लॉय तो शामिल नहीं है। अब इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन जरूर शेयर करना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे चीज वियर्ड लगी इसलिए मैंने क्या बोल गया, मुझे चीज वियर्ड लगी इसलिए मुझे लगा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर की जाए। और थैंक यू सो मच इस गणित की क्लास को पूरी तरीके से अटेंड करने के लिए। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो ये पसंद आप लोग कर देना नीचे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की इन फ्रेश अपडेट्स के लिए। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।